हेलो बच्चों नमस्कार भालो तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में वादा किया था आपसे कि हम लोग हर एक ज्यादा ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स को लेकर आएंगे तो हम लोग आज आए हैं लेकर कैश फ्लो सर कैश फ्लो में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है और वो अच्छे से उसको शॉट आउट नहीं कर पा रहे तो सर कैश फ्लो में मेन मेन पॉइंट्स जहां हम लोगों को ध्यान रख रहे हैं वो मेन पॉइंट्स आज हम लोग क्लियर आउट करेंगे ठीक है तो सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आपको इतना तो पता ही होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है कैश का फ्लो मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश पैसा कहां से आया कहां से गया और कितना हमारे पास बच गया ठीक है एक छोटा सा हम लोग पॉइंट आउट करेंगे थ्योरीज में कि सर आप बताते हो कैश फ्लो का मतलब होता है कैश का आना और कैश का जाना ठीक तो सर हम लोग कैश का आना और कैश का जाना हम लोगों ने कैश बुक में भी तो पढ़ रखा था और अगर कैश बुक से भी हम लोगों को वही पता चलता है तो फिर कैश फ्लो से हमें क्या पता चलता है तो एक मेजर डिफरेंस है कैश बुक एंड कैश फ्लो में याद रखोगे कैश बुक में हमें पता चलता है कितना पैसा आया और कितना पैसा गया बस हम लोगों को यह नहीं पता चलता है कैश बुक में कि जो पैसे आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं जो हमें बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट याद रखोगे तीन चीजें उसमें होती हैं तीन मेजर पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपको पता ही है सर ये होता क्या है ध्यान से सुनोगे पहले हम इसको समझ लें ताकि आप वे में को कर पाओ पाओ। और बना पाओ। ध्यान दोगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लोग बिजनेस करने से रिलेटेड ऑपरेट करने से रिलेटेड कितना पैसा आया कितना पैसा गया ये प्लस में जा रहा है या माइनस में जा रहा है ठीक ऑपरेटिंग दूसरा क्या है सर इन्वेस्टिंग हम लोग इन्वेस्ट जितना करते हैं ठीक इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं समझोगे ध्यान से मान लीजिए कि मैं एक क्लासेस चलाता हूं मान लीजिए अकाउंट्स की क्लासेस में चला रहा हूं तो बिजनेस को क्लासेस चलाने से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो खर्चे को मैं क्या दिखाऊंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिजनेस ऑपरेट करने से रिलेटेड ठीक दूसरा आता है इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग मतलब मान लीजिए कि मैंने स्क्रीन खरीदा मान लीजिए कि मैंने एसी सी लगवाया मान लीजिए कि मैंने बेंचेस चेयर्स खरीदे ये मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गया ठीक है अब वो हो गया इन्वेस्टिंग मान लीजिए वो हो गया इन्वेस्टिंग और लास्टली होता है फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ध्यान से सुनोगे मेरी बात अगर ऑपरेटिंग मेरा माइनस में जा रहा है इन्वेस्टिंग मेरा प्लस में जा रहा है और फाइनेंसिंग भी मेरा प्लस में जा रहा है. मतलब हमको ध्यान देने की जरूरत कहां है ऑपरेटिंग में मतलब हम जो बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं हो सकता है कि डे टू डे मेरा जो खर्च है वो बहुत ज्यादा है जिससे वो मेरा कैश माइनस में चला गया ठीक है अच्छा अगर ऑपरेटिंग बहुत अच्छे से चल रहा है लेकिन इन्वेस्टिंग मेरा माइनस में मतलब हमने ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है मतलब हम लोगों को अपनी एसी को कम करना पड़ेगा या बेंचेस को कम करने पड़ेंगे या अननेसेसरी जो इन्वेस्टमेंट हम और सोच रहे हैं कर ले बिल्डिंग खरीद ले लैंड खरीद ले वो हम लोग नहीं करेंगे समझ में आ रही है बातें और लास्ट क्या है फिनंसिंग फिनांसिंग मतलब प्लस में मतलब मेरे पास पैसे आ रहे हैं अच्छा माइनस में मतलब हमने कर्ज ज्यादा ले रखा है हमारे पास से पैसे चले गए सारे अब हमारे पास कैश नहीं है तो याद रखोगे ये मेजर डिफरेंस है कैश बुक में सिर्फ पता चलता है कितना पैसा आया कितना पैसा आया कहां कहां से आया कहां कहां को गया ये नहीं पता चलता और कैश फ्लो में हमें पता चलता है कहां कहां से आया कहां कहां को गया कौन अच्छा चल रहा है कौन खराब चल रहा है समझ में आ गई तो ऑपरेटिंग है बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड इन्वेस्टिंग है इन्वेस्टमेंट जो भी फिक्स एसेट्स में हम इन्वेस्ट करते हैं उससे रिलेटेड और फाइनेंसिंग हमारा फंड्स फंड से आ रहा है हमने शेयर्स इशू करके पैसे लिए हैं डिबेंचर इशू करके पैसे लिए हैं हमने लोन ले रखा है हमने पेमेंट कर दी ये फाइनेंसिंग है समझ गए तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप जैसे ही ये सारे पॉइंट्स देखते जाओगे हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते जाओगे बहुत अच्छे से ताकि आपके माइंड में भी वो फिक्स हो जाए ठीक है और एग्जाम में आप उसको बना कर आ पाओ तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट आप अगर देख पा रहे हो तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोगों का क्या होता है सर सबसे पहला होता है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों का नेट प्रॉफिट सर कितना है तो नेट प्रॉफिट कैसे मिलेगा आपको बैलेंस शीट दिया रहेगा याद रखोगे बैलेंस शीट दिया रहेगा ध्यान से सुनोगे इसमें सारी चीजें मैं बता दे रहा हूं पॉइंट आउट करोगे बैलेंस शीट दो तरह के होते हैं एक होता है बैलेंस शीट कंपनी का बैलेंस शीट जो इस तरह का होता है जिसमें होते हैं पार्टिकुलर ठीक करंट ईयर का अमाउंट और प्रीवियस ईयर का अमाउंट दो दिया हुआ है आपका पार्टिकुलर यहां पहला होता है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज ठीक उसमें लिखा हुआ रहेगा शेयर होल्डर्स फंड और उसमें लिखे रहते हैं शेयर कैपिटल उसके बाद रहता है रिजर्व एंड सरप्लस रिजर्व एंड सरप्लस तो याद रखोगे रिजर्व एंड सरप्लस में ही आपको प्रॉफिट मिलेगा रिजर्व एंड सरप्लस में ही आपको लिखा रहेगा पीएल ठीक है और वहीं से आपको पुट करना है यहां नेट प्रॉफिट में वो कैसे सर ध्यान से सुनोगे अगर मान लीजिए हम लोगों का पीएल दिया हुआ है मान लीजिए हम लोगों का पीएल दिया हुआ है दो 2011 ध्यान से सुनोगे अगर यहां दिया हुआ है 10000 और यहां दिया हुआ है 15000 तो ये तो आपको साफ दिख रहा है सर कि 10 से 15 हो गया तो यहां पर प्रॉफिट कितना हो गया पांच हजार रुपए आपको दिखा देना ठीक अच्छा सर 10 से 5 हो गया तो आपको दिख रहा है कि घट गया मतलब लॉस हो गया पांच हजार तो आपको दिखा देना है लॉस और लॉस को ब्रैकेट में लिखते इतना तो सब जानते हो आप कैश फ्लो पढ़ चुके हो बस याद रखोगे मेन पॉइंट्स मैं रिवीजन करवा रहा हूं लेकिन सर अगर द वे यहां दस हजार लिखा हुआ है और यहां वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है पांच हजार रुपए तो यहां क्या हुआ सर प्रॉफिट या लॉस ध्यान से देखोगे तो दस हजार का प्रॉफिट पांच हजार का लॉस तो हम लोगों का यहां पर हो जाएगा पंद्रह हजार रुपए का लॉस पंद्रह हजार रुपए का लॉस सर कैसे पंद्रह हजार रुपए का लॉस ध्यान से सुनोगे मेरे पास कितने पैसे थे सर दस हजार रुपए थे पॉकेट में पिछले साल मेरे पास दस हजार रुपए थे और इस साल हम पांच हजार माइनस में हैं मतलब मैंने ये दस हजार पूरे खर्च कर दिए और एक्स्ट्रा खर्च कर दिया होगा पांच हजार रुपए तब ना मैं माइनस में लॉस में चला गया मतलब टोटल इस साल मैंने खर्च किए होंगे पंद्रह हजार ठीक है इसको ऐसे समझिए मैं था जीरो में पिछले साल मेरे पास थे कितने पैसे सर दस हजार रुपए और इस साल मैं हूं माइनस में माइनस में कितना सर पांच हजार तो मैंने अपना सफर जो स्टार्ट किया था मेरे पॉकेट में दस हजार रुपए थे मैं यहां से लॉस खाता 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 जीरो पे आया और एक्स्ट्रा लॉस खा गया पांच हजार मतलब पूरा इस साल का मेरा दस हजार और पांच हजार टोटल कितने का लॉस हो गया सर पंद्रह हजार रुपए का लॉस हो गया ठीक चलिए अच्छा सर यहां भी अगर लॉस रहता तो ध्यान से देखोगे अगर यहां भी लॉस है तो दस हजार का लॉस था पिछले साल और इस बार है पांच हजार का लॉस मतलब हमने प्रॉफिट कमा लिया कैसे सर पिछले साल हम लोग दस हजार के लॉस में थे और साल सिर्फ पांच हजार लॉस घट गया ना मतलब हमने पैसा कमा लिया कितना कमा लिया पांच हजार रुपए कमा लिए तो यहां पर फिर प्रॉफिट हो जाएगा पांच हजार रुपए समझ में आ गई बातें तो ध्यान रखना है आपको ये दूसरा मेन पॉइंट एग्जाम में ज्यादातर ध्यान देने वाली बातें क्या है ईयर कभी कभी क्या बहुत ज्यादा टाइम पे ईयर उल्टा दिया रहता है जैसे यहां दिया रहेगा 2011 और यहां दिया रहेगा 2010 और लिखा रहेगा पीएल पीएल लिखा रहेगा 10000 से हो गया 15000 तो आप देखोगे 10 से 15 हो गया 5000 का प्रॉफिट दिखा दोगे बट यहां उल्टा देखना है क्योंकि 10 से 15 देखना है 15000 से वो कितना हो गया दस तो जहां प्रॉफिट दिख रहे थे हम लोग वहां क्या लिखेंगे लॉस लिखेंगे समझ में आ गई बातें क्लियर है तो ध्यान दें एक बार फिर से हम लोग प्रॉफिट को डिस्कस कर लेते हैं सर पीएल को कैसे हम लोग निकालेंगे और कैलकुलेट कैसे करेंगे दो हजार दस दो हजार ग्यारह यहां दिया हुआ है दस हजार यहां दिया हुआ है पंद्रह हजार तो दस से पंद्रह पांच हजार का प्रॉफिट हो गया हम लोग दिखा देंगे अच्छा सर यहां दिया हुआ है दस हजार यहां दिया हुआ है पांच हजार कम हो गया मतलब लॉस हो गया तो हम लोग पांच हजार लॉस दिखा देंगे ठीक है अच्छा सर अगर मान लीजिए सर कि दस हजार का प्रॉफिट है और यहां पंद्रह हजार का लॉस दिख रहा है तो दस हजार का प्रॉफिट था और इस बार पंद्रह हजार का और लॉस हो गया मतलब हम ये भी गवाए और साथ में ये भी गवाए मतलब टोटल दस और पंद्रह कितना गवा दिए पच्चीस हजार गवा दिए ठीक अच्छा सर दोनों माइनस में रहेगा तो, तो आपको यह देखना है कि बढ़ा या घट गया जैसे दस हजार से पंद्रह हजार हो गया पांच हजार और बढ़ गया मतलब हम लोग इस बार और कितना लॉस कर लिए

जिसमें हम लोग कहां दी मिलेगा हम लोगों को रिजर्व एंड सरप्लस में आपको पीएल मिल जाएगा इसके अंडर हेड में देखोगे पीएल मिल जाएगा लेकिन अगर क्वेश्चन में आपका कंपनीज बैलेंस शीट ना देकर पार्टनरशिप वाला बैलेंस शीट दे दिया ध्यान से देखोगे बहुत बार ऐसा भी होता है ये वाला बैलेंस शीट दे, दे देता है लाइबिलिटीज अमाउंट आसेट्स अमाउंट तो यहां पर आपका रहता है कैपिटल ठीक क्रेडिटर्स वगैरह वगैरह यहां पर आसेट सारे दिए रहते हैं ठीक है ध्यान से सुनोगे अगर आपका ऐसा बैलेंस शीट आया और नीचे में एडजस्टमेंट में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप तो डायरेक्टली वहां दिखा दोगे लेकिन अगर आपका ऐसा बैलेंस शीट है और आपके एडजस्टमेंट में कोई भी पीएल पीएल का डिस्कशन नहीं किया गया है तब हम लोग को कैसे निकालेंगे तो याद रखोगे उस टाइम पर हम लोग कैपिटल को फॉलो करेंगे जैसे मान लीजिए कैपिटल एक लाख से एक लाख पचास हजार हो गया तो एक लाख से एक लाख पचास हजार हो गया मतलब हमारा नेट प्रॉफिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा फिफ्टी थाउजेंड रुपीज

समझ में आ गई बातें अब बोलोगे सर ऐसा क्यों याद रखोगे ऐसा क्यों अगर आपने एडमिशन रिटायरमेंट डेथ पढ़ा रखा है तो आपको पता होगा पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल अकाउंट बनाते समय हम लोग में पीएल को जोड़ देते हैं कैपिटल में पीएल को जोड़ देते हैं याद ही होगा तो जब हम लोग पीएल को जोड़ देते हैं तो इस कैपिटल में पीएल तो जुड़ा हुआ है तो मतलब हमारा जो पार्ट है वो प्रॉफिट का पार्ट है समझ में आ गया तो हम लोग निकालते हैं अगर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है तो ठीक है अच्छा दूसरा पॉइंट याद रखोगे सर अगर हमारा एडजस्टमेंट दिया हुआ है पीएल दिया हुआ है और ये मान लीजिए कि कम हो रहा है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि नीचे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है बीस हजार रुपए सपोज कीजिए तो हम यहां तो पीएल दिखा देंगे बीस हजार रुपए क्योंकि प्रॉफिट तो दिया हुआ है और हमारा कैपिटल जो है ना वो वन लैख और वन लैख ही है सपोज कीजिए ये वन लैख टेन थाउजेंड है सपोज कर लेते हैं वन लैख टेन थाउजेंड ठीक है थीके? तो सर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अब इसका इफेक्ट देखिए पीएल दिया हुआ है प्रॉफिट बीस हजार रुपए अच्छा ओपनिंग कितना था मेरा सर एक लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस था प्लस हम लोगों ने एक्स्ट्रा कितना प्रॉफिट कमाया एक तो हमारा जो क्लोजिंग होना चाहिए था वो एक लाख बीस होना चाहिए लेकिन हम लोगों का कितना है एक लाख दस हजार रुपए बीस के जगह दस मतलब हमने विद्रॉ कर लिया तो याद रखोगे यहां पर फिर क्या निकलेगा यहां पर टेन थाउजेंड का ड्रॉइंग आ जाएगा समझ में आ गई या एक बार रिपीट करूं आप इसको वीडियो को पीछे ही बैक करके फिर से देख सकते हो कि सर अगर एडजस्टमेंट में पीएल है तो फिर उसका इफेक्ट कैपिटल पे क्या पड़ेगा और हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट पे क्या पड़ेगा तो सबसे पहला हमने पढ़ लिया कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा ठीक है अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें एडजस्टमेंट सर क्या क्या लिखते हैं ध्यान से देखोगे देखिए हर एक पॉइंट को मैं डिस्कस करता चला जा रहा हूं बस ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अगर आप पॉइंट याद रखोगे आपका आसानी से बन जाएगा ठीक है चलिए इसमें एडजस्टमेंट लिखेंगे एडजस्टमेंट लिखेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स सर यही तो भूल जाते हैं हम लोग कि सर इसमें लिखे क्या क्या तो देखिए पांच से छह चीजें हैं जो आपको लिखनी है और क्यों लिखनी है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि सर ये हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं ठीक है जैसे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं सर डेप्रीशिएशन ठीक उसके बाद क्या लिखते हैं सर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ठीक फिर क्या लिखते हैं सर गुडविल या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ठीक इसके बाद क्या लिखते हैं सर अगर हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेस है तो या डाउटफुल डेप है तो वो हम लोग दिखा देते हैं इसके बाद अगर हमारा डिविडेंड पेबल है या इंटरेस्ट है तो दिखा देंगे वो हम लोग दिखा देंगे या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दिखा देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फ़िक्स्ड एसेट्स दिखा देंगे ध्यान से सुनोगे क्या क्या पॉइंट्स आएगा सबसे पहला आता है डेप्रीशियशन सर इसमें क्या क्या चीजें दिखाते हैं नॉन कैश ऐसे खर्चों को हम दिखाते हैं जो कैश में नहीं होते हैं ऐसे खर्चों को दिखाते हैं जो कैश में नहीं होते जैसे डेप्रीशिएशन डेप्रीशिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जो कैश में नहीं होता है तो एक्सपेंस क्योंकि हम इसको पीएल में दिखाते हैं लेकिन ये कैश में नहीं होता इसलिए हम लोग यहां पर इसको दिखाते हैं सर एक एग्जांपल बता दीजिए ध्यान से सुनोगे मान लीजिए कि मैंने एक कार खरीदी ठीक है और उस कार का जो वैल्यू है ना वो है वन लाख रुपीज ध्यान से सुनोगे हमने एक कार खरीदी और एक कार का वैल्यू है एक लाख रुपए और हर साल वो दस हजार घिस जाती है तो डेप्रीशिएशन कितना हो गया पहला साल दस हजार रुपए बचा कितना नब्बे हजार दूसरे साल फिर से दस हजार घिस गया बचा कितना अस्सी हजार तो हम लोगों का टोटल डेप्रीशियशन अगर बोला जाए तो बीस हजार रुपए घिस गया ठीक मेरे पॉकेट में थे पचास हजार रुपए ध्यान से सुनोगे मेरे पॉकेट में थे पचास हजार रुपए और हमारा मशीन जो है पहले साल दस दूसरे साल दस मतलब बीस हजार रुपए घिस गया हमारे पॉकेट में थे पचास और बीस हजार की मशीन घिस गई अब मेरे पॉकेट में कितना बचा होगा मेरे पॉकेट में थे पचास हजार और मेरी मशीन जो कार है वो घिस गई तीस मेरे, मेरे हुनहार बच्चों मेरे पॉकेट में पचास हजार ही बचा होगा क्योंकि घिसी कार है पैसा थोड़े घिसा कार घिसी है लेकिन पैसा नहीं घिसा बात आ रही है समझ में कार घिस गई लेकिन पैसा नहीं घिसा पैसा तो उतना ही है पचास हजार रुपया ही है अच्छा सर ये तो समझ में आ गया लेकिन फिर इसमें ऐड क्यों कर दिए याद रखोगे अगर आपको पीएल याद होगा तो पीएल में टू डेप्रीशियशन दिखाते थे खर्चे में अगर आप दिखा दोगे कि मेरा बीस हजार रुपया खर्च हो गया तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा हाँ या ना तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो कितना कम आ रहा है बीस हजार रुपया तो कम दिखाया क्योंकि हम लोग वहां डेप्रिशिएशन को खर्चों में दिखा चुके हैं अच्छा बीस हजार कम जब प्रॉफिट आ रहा है लेकिन मेरे पास पैसा तो है ही ये तो खर्चा हुआ लेकिन पैसा तो खर्च नहीं हुआ तो पैसा तो मेरे पास टोटल पचास हजार है ना तो याद रखोगे जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए कि पचास हजार का प्रॉफिट होना था लेकिन हम बीस हजार उसमें डेप्रीशिएशन दिखा दिए तो नेट प्रॉफिट मेरा जो आया होगा वो तीस हजार आया होगा तो हम यहां दिखा रहे हैं अपना नेट प्रॉफिट कितना तीस हजार रुपए लेकिन क्योंकि हमारे पॉकेट में तो पचास हजार कैश है और हम बना क्या रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए वैसे खर्चे जो कैश में हुए ही नहीं लेकिन हम खर्चों में दिखा दिए जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया है उसको यहाँ हम लोग जोड़ देंगे जैसे यहाँ हम डेप्रीशिएशन कितना ऐड कर देंगे बीस अब मेरे पास कैश कितना शो करेगा पचास एक्चुअली में पचास है ना मेरे पॉकेट में समझ में आ गई बात तो याद रखोगे वैसे सारे खर्चे जो कैश में नहीं होते वो हम लोग का क्या करते हैं ऐड कर देते हैं जैसे दूसरा देखोगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अच्छा जनरल रिजर्व होता क्या है जनरल खर्चों के लिए हम लोग क्या करते हैं प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल कर रख लेते हैं तो याद रखिए हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ कितने का प्रॉफिट हुआ मान लीजिए पचास हजार रुपए का प्रॉफिट हुआ सपोज कर लेते हैं मेरे पास प्रॉफिट कितना हुआ पचास हजार रुपए का प्रॉफिट हुआ पॉकेट में पचास हज़ार था हमने बोला कि नहीं भैया इसमें से बीस हजार रुपये निकाल कर हम जनरल रिजर्व में रख लेते हैं मतलब सामने वाली पॉकेट से निकाल कर हम पीछे वाले पॉकेट में रख लिए तो यहां मेरे सामने वाली पॉकेट में दिख रहा है तीस हजार और पीछे वाले पॉकेट में जनरल रिजर्व दिख रहा है बीस अच्छा मुझे बताइए प्रॉफिट कितना दिख रहा है तीस तो हम यहाँ प्रॉफिट कितना लिखेंगे तीस अच्छा आपके पास पूरा तीस रुपया कैश है या पचास है सर पचास है हजार यहां बीस हजार यहां अगर आप आगे से निकालकर पीछे रख लिए तो कैश थोड़े कम हो गया आपने ट्रांसफर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लगा दिया ट्रांसफर कर दिया कहा जनरल रिजर्व में तो प्रॉफिट तो कम हो गया लेकिन एक्चुअली में तो दोनों मिलाकर आपके पास कैश है ना इसलिए हम यहां दिखाते हैं तीस हजार ये और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बीस हजार टोटल मिलाकर मेरे पास कितना है पचास हजार बात आ रही है समझ में ठीक है तो याद रखोगे वैसे वैसे सारे खर्चे जो कैश में नहीं होते हैं वो सारा कुछ हम लोग दिखाते हैं जैसे सर गुडविल रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ गुडविल ऑफ किसी का नेम फेम कम हो गया किसी भी इंसान का नेम फेम कम हो गया तो क्या उसका पैसा जो पॉकेट में कैश था वो कम हो गया नहीं भाई अगर मार्केट में उसके पास एक लाख रुपए है कैश पॉकेट में ठीक है और मार्केट में उसका बीस हजार का गुडविल थोड़ा खराब हो गया क्योंकि उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं था तो क्या उसके पास अस्सी हजार बचे नहीं सर उसके पास तो एक लाख ही है तो याद रखोगे गुडविल और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ये एक ऐसे खर्चे हैं जो कैश में नहीं होते ठीक है बाकी आते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट सर लॉस को क्यों तो माइनस करते हैं आपने लॉस को तो क्यों प्लस कर दिया ठीक याद रखोगे तो ये एक ऐसा खर्चा है जो मेरे बिजनेस का खर्च है ही नहीं नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड नहीं है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स फिक्स एसेट्स हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं आता याद रखोगे जैसे मैं अगर पैसे कमाता हूं तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा बच्चों को पढ़ाकर लेकिन मेरे पास पुराने फर्नीचर बचे हुए थे ठीक है मेरे पास पुराने चेयर बचे हुए थे मैंने उनको बेच दिया और उससे पैसा कमा लिया तो क्या वो मेरे बिजनेस का पैसा है नहीं सर अच्छा कमा लिया है तो मेरे बिजनेस में तो जुड़ गया होगा ठीक और गवा दिया है तो मेरे बिजनेस में से माइनस हो गया होगा जैसे अगर मैंने फर्नीचर को लॉस में बेच दिया अगर मैंने अपने फर्नीचर को लॉस में बेच दिया तो मैं जो पीएल बनाया होगा उसमें से तो मैंने माइनस कर दिया होगा तो प्रॉफिट तो मेरा कम हो गया होगा अच्छा ऐसा खर्चा जो मेरे बिजनेस का था ही नहीं और मैंने घटा दिया अरे घटा दिया है तो क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो यहां पर याद रखिए लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को ऐड कर देते हैं समझ में आ गई बातें ठीक है तो याद रखोगे हम लोग ऑपरेटिंग में क्या क्या दिखाते हैं डेप्रीशियशन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व गुडविल प्रीलिमिनरी प्रीमियम एक्सपेंसिटर्न ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हम लोग इतना दिखाते हैं अच्छा सर लेस क्या क्या करते हैं देखिए मैं अभी आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूं ये आप लोग बहुत ध्यान से देखोगे फिर मैं बताऊंगा हर एक पॉइंट को कि ये आपको एग्जाम में कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा और उस पर आपको क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको वो देखना है ठीक मैंने इनको क्या किया ऐड कर लिया अच्छा सर लेस क्या करेंगे ध्यान से देखोगे लेस क्या करेंगे सर लेस हम लोग करेंगे इसमें से रिफंड ऑफ टैक्स रिफंड ऑफ टैक्स अगर टैक्स का रिफंड हुआ तो या डिविडेंड रिसीव्ड हुआ तो या प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्सड एसिट्स मैंने अभी भी बताया था कि मैंने बेंच बेंच को बेचकर चेयर्स को बेचकर कुछ पैसे कमाए थे जो मैंने अपने प्रॉफिट में जोड़ दिया था जो मेरे बिजनेस का प्रॉफिट ही नहीं था तो उसको हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे समझ में आ रही है बातें तो हम उसको निकाल कर अपने बिजनेस का सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखेंगे कि मेरे बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसमें से कितना पैसा आया और कितना पैसा गया है ठीक है बात आ गई समझ में अब इन सब चीजों को एड करते हैं तो हम लोगों के पास जो आता है वो क्या आता है नेट कैश फ्लो सॉरी अब इनको लेस कर देंगे लेस करने के बाद जो हम लोगों का आएगा वो आएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आपको ये तो पता ही है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज अब आपको ध्यान का रखना है पहले हम लोगों ने बता दिया पीएल आपको बैलेंस शीट देखना है बैलेंस शीट में डेट देखना है डेट कैसा है अगर डेट सही है तो आपको कंपैरिजन कर लेना है डेट उल्टा है तो उल्टा कंपैरिजन करना है पहला पॉइंट आपको ध्यान देखिए कहां कहां ध्यान रखने हैं तो पहला हम लोगों को देखना है प्रॉफिट अच्छा बैलेंस शीट आपको देखना है कंपनी का है या पार्टनरशिप का अगर कंपनीज बैलेंस शीट है तो आपको कहां मिल जाएगा इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के नीचे आपको रिजर्व एंड सरप्लस में आपको पीएल मिल जाएगा जिसको नीचे नोट्स टू अकाउंट में भी दिया रहता है आप वहां से प्रॉफिट निकाल लेते हो उसके बाद आपको खोजना क्या है सर डेप्रिशिएशन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व गुडविल डेशन आपको कहां मिलेगा सर नीचे एडजस्टमेंट में मिलेगा ये सारी चीजें आपको नीचे एडजस्टमेंट मिल जाएगी डेप्रिशिएशन मिल गया अच्छा रिजर्व एंड सरप्लस में ही आपको जनरल रिजर्व मिलेगा याद रखोगे रिजर्व एंड सरप्लस में ही जनरल रिजर्व देख लोगे कितना हम लोगों ने ट्रांसफर किया जैसे अगर मान लीजिए दो साल का दिया हुआ है दस हजार और बारह हजार तो हम लोगों ने कितना ट्रांसफर किया दो हजार रुपए ट्रांसफर किया तो जनरल रिजर्व में हम लोग कितना लिख देंगे दो हजार रुपए ट्रांसफर दिखा देंगे समझ में आ गई बातें अच्छा और क्या है सर गुडविल प्रिमिनरी एक्सपेंसेस याद रखोगे इसके बारे में मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनोगे गुडविल के बारे में गुडविल रिटर्न ऑफ बहुत ध्यान से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये आपको एसेट्स में मिल जाएगा ये तो पता ही है अगर मान लीजिए गुडविल है दस हजार से आठ हजार रुपए तो कितना रिटर्न ऑफ हो गया सर दो हजार तो गुडविल में हम दो हजार दिखा देंगे ठीक लेकिन अगर गुडविल में दस हजार से अठारह हजार लिखा हुआ है तो ये फिर गुडविल यहां नहीं जाएगा ये याद रखना आपको अगर गुडविल इंक्रीज कर गया तो आपको यहां कहीं नहीं दिखाना बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ऐड नहीं होगा तो अगर हम जा, हमारा ज्यादा हो गया तो हम लेस कर देंगे जैसे यहां पर दस हजार से आठ हजार कम था कम हो रहा था रिटर्न ऑफ हो रहा था तो ऐड कर रहे थे और ज्यादा हो गया तो लेस कर देंगे नहीं बिल्कुल भी नहीं ऐसा नहीं करोगे अगर दस हजार से आठ हजार हो गया दो हजार कम हो गया तो रिटर्न ऑफ यहां ऐड करना है लेकिन दस हजार से अगर अठारह हजार हो गया इंक्रीज कर गया तो याद रखोगे इसको माना जाता है परचेज ऑफ गुडविल और इसको ट्रीट किया जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो इसके बाद बनता है ऑपरेटिंग में ये फिर कहीं नहीं जाएगा ठीक है तो गुडविल अगर आपका रिटर्न ऑफ हुआ तो जाएगा अगर आपका इंक्रीज किया तो फिर ये ऑपरेटिंग से निकलकर कहां चला जाएगा इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ गुडविल के नाम से ये आपको याद रखना है ठीक अच्छा प्रोविजन टेक्स। सर प्रोविजन फॉर टैक्स सर टैक्स वाले में थोड़ा बता दें क्योंकि टैक्स कभी कभी क्या रहता है ना तीन तीन जगह टैक्स दिया रहता है तीन जगह टैक्स दिया रहता है सर आपको एडजस्टमेंट में भी दिया रहता है टैक्स और ऊपर भी प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से दिया रहता है तो हम कौन सा लिखेंगे ये आप बता दें तो ध्यान दोगे टैक्स के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे मान लीजिए कि बैलेंस शीट में आप लोगों का टैक्स दिया हुआ है दो साल का ठीक है मान लीजिए कि हम लोगों का टैक्स दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स दस हजार पंद्रह हजार ठीक और नीचे भी एडजस्टमेंट में टैक्स पेड दिया हुआ है तो हम लोग बनाएंगे कैसे याद रखेंगे याद रखेंगे अगर तीन जगह टैक्स दिया हुआ है तो ट्रीटमेंट अगर दो जगह टैक्स दिया है तो ट्रीटमेंट पहले हम लोग बताते हैं दो जगह का अगर मान लीजिए एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया हुआ है सिर्फ हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है बैलेंस शीट में दो ही जगह एक प्रीवियस ईयर करंट ईयर मान लीजिए 2010 2011 का दिया हुआ है तो सर हम लोग कौन सा ऐड करेंगे और कौन सा लेस करेंगे आपको पता होना चाहिए कि प्रोविजन फॉर टैक्स यहां एक बार ऐड होता है और नीचे एक बार लेस होता है अगर फॉर्मेट देखे तो याद रखिए ये क्योंकि एक रिवीजन क्लास है मैं हर एक चीज का पॉइंट बता दे रहा हूं आप ताकि माइंड में इसको रख लो और उसी को फॉलो करो अच्छा भूल गए तो एक बार फिर से वीडियो देख लोगे पूरा आपको समझ में आ जाएगा टैक्स के बारे में याद रखोगे जो हम लोगों का इस साल का मतलब करंट ईयर वाला जो रहेगा हम लोग उसको क्या कर देंगे एड कर देंगे यहां पर करंट ईयर वाला हम लोग एड कर देंगे और प्रीवियस ईयर वाला नीचे सबसे नीचे आपको पता होगा, लेस होता है, पेड़, वहां हम लोग तो लो। लो दिखाते हैं टैक्स को ठीक कौन सा ऐड करेंगे करंट ईयर वाला ऐड करेंगे प्रीवियस ईयर वाला लेस करेंगे सर आपने तो बता दिया ऐसे तो सब बताते हैं लेकिन सर फिर दिमाग से निकल जाता है ध्यान से सुनो दिमाग से नहीं निकलेगा टैक्स कभी भी आप पेड करते होगे तो हम लोग टैक्स कौन सा पेड करते हैं पिछले साल जो कमाए उसका टैक्स हम लोग इस साल पेड करेंगे पिछले साल मैंने जितना कमाया उसका टैक्स इस साल पेड करेंगे ध्यान से सुनोगे पिछले साल जो मैंने कमाया उसका टैक्स इस बार पेड करेंगे इस बार पेड करेंगे पिछले साल जो कमाया इस साल पेड करेंगे मतलब गया, गया। मतलब माइनस पिछले साल माइनस पिछले साल जो टैक्स हमने कलेक्ट किया वो माइनस क्योंकि इस साल पेड कर देना है समझ में आ गया अच्छा इस साल वाला जो हमने बनाया है प्रोविजन उसको तो इस साल नहीं ना करना है उसको तो आगे तो अगर आपको एक पता चल गया तो दूसरा तो पता ही चल जाएगा पिछले साल वाला टैक्स इस साल साल पेड करते हैं तो पिछले साल वाला जो भी टैक्स रहेगा वो माइनस होगा तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा समझ में आ गया तो अगर हमारे बैलेंस शीट में सिर्फ दो दिया हुआ है तो पिछले साल वाला को हम लोग नीचे लेस करेंगे और करंट ईयर वाला को एड करेंगे ठीक है याद कैसे रखोगे पिछले साल का टैक्स इस साल पेड करते हैं ठीक है प्रीवियस ईयर वाला अच्छा सर और अगर हम लोगों का बैलेंस शीट में भी दिया हुआ है और नीचे भी दिया हुआ है तब क्या करेंगे तब एक अकाउंट खुलता है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपको पता है बहुत ही सिंपल सा है ध्यान रखोगे सबसे पहले लिखोगे बाई बैलेंस बी डी ओपनिंग बैलेंस दिखाना है हमको ओपनिंग दस हजार फिर हम लोग को दिखाना है टू बैलेंस सी क्लोजिंग हमको दिखाना है कितना पंद्रह हजार अब हम लोगों को जाना है एडजस्टमेंट में और याद रखना है कि प्रोविजन फॉर टैक्स याद रखें इस पॉइंट को ये आपको बहुत काम देगा प्रोविजन फॉर टैक्स पेड लिखा हुआ है या मेड लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स पेड लिखा हुआ है या मेड लिखा हुआ है अगर पेड लिखा हुआ है तो टू बैंक में जाएगा अगर मेड लिखा हुआ है तो बाय पीएल में जाएगा ठीक जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है ये ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है और यहाँ पेड नीचे लिखा हुआ था टैक्स पेड लिखा हुआ था तीन हजार रुपए तो टैक्स पेड हम लोग लिख देंगे तीन हजार रुपए तो पंद्रह और तीन कितना हो गया अठारह हजार यहां भी हो जाएगा अट्ठारह हजार और बैलेंसिंग फिगर पीएल में आ जाएगा दस में से अठारह गया आठ हजार अब इसका इफेक्ट देखिए कहां कहां जाएगा ये जो पीएल में बैलेंसिंग फिगर आएगा ये पीएल में बैलेंसिंग फिगर आपका यहां प्रोविजन फॉर टैक्स में ऐड हो जाएगा ये 8000 पीएल की बात हो रही है तो यहां पीएल में ऐड हो जाएगा और यहां जो टू बैंक की बात हो रही है ये क्योंकि पेड है ये नीचे माइनस हो जाएगा तो आपको देखना क्या है ओपनिंग और क्लोजिंग और नीचे पेड है या मेड है अगर पेड है तो वो पेड में कर देंगे अगर ये मेड है तो फिर यहां लिख देंगे ठीक फॉर एग्जाम्पल एक और मैं बता दू जैसे मान लीजिए कि यहाँ पेड़ ना लिख कर टैक्स मेड रहता ड्यूरिंग तो, 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 तो या तो ये निकलेगा, तो निकलेगा। ट्रीटमेंट क्या है सर जो पीएल है वो पीएल में एड हो जाएगा जो पेड है वो नीचे माइनस हो जाएगा ठीक अगर तीन दिया रहे टैक्सेस तो क्लियर है बात आ गई समझ में ठीक सर फिर से वही बात आती है सर बनाते हैं तो याद रहता है भूल जाते हैं बाद में भूल जाओगे तो याद रखोगे कैसे हम लोग पढ़ें देखिए मुझे बहुत सारे चुटकुले तो आते नहीं है कुछ थोड़े बहुत चुटकुले इसमें से ही आते हैं तो मैं बता देता हूं मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखा है वहां पर भी क्या होता है ना टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो आइए मैं ये करवा देता हूँ आज हम लोग ये कर देंगे आज हम लोग को एकदम बना लेना है सारा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है ठीक है आप लोग भी एक्साइटमेंट में आ जाते हो तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर आप भी थोड़ा ऐसे बनाइए मैंने कहा भाई मुझे माफ़ करो मुझे नाच गाना आता नहीं मैं कोशिश भी करता हूँ तो मुझे नहीं आता ये थोड़ा बहुत चुटकुला मैं जानता हूँ जो बच्चों को मैं बता देता हूँ तो अगर आप लोग देख रहे हो तो बस इतना ही चुटकुला है बस मेरे चुटकुले याद रखोगे अगर आपके चुटकुले मेरे चुटकुले आप याद रखते हो एग्जाम में बहुत काम देगा ठीक है जैसे टैक्स और अगर ये चुटकुले याद हो गए ना तो वो लोग जो कहते हैं ना कि हाँ हम लोग कर देंगे सही में आप कॉपी फाड़ के आ जाओगे ये बात याद रखोगे कि अगर आपने ये चुटकुले दिमाग में रख लिए तो फिर आप एग्जाम के बाद कॉपी फाड़ के ही आओगे और चुटकुले सबको सुनाते ही रहोगे ठीक है वैसे दो तीन चुटकुले मुझे भी बता दोगे मैं भी थोड़ा थोड़ा बता दूंगा सर टैक्स में आपने क्या बताया सर दो साल का दिया रहेगा और नीचे एडजस्टमेंट में दिया रहेगा पेड और मेड पेड मतलब मेरे पास से गया टू बैंक अगर जर्नल एंट्री आप पढ़े हो बचपन में तो आपको याद ही है पेड करते हैं तो टू बैंक टू बैंक पेड करते हैं तो टू बैंक पेड करते हैं तो टू बैंक हाँ सर पेड करते हैं तो टू बैंक दिखा दिए बात खत्म याद रहेगा पेड अगर लिखा हुआ है तो टू बैंक बात खत्म एक आपको याद रखना सिर्फ एक याद रखना पेड रहेगा तो टू बैंक क्योंकि पैसा गया अच्छा सर पेड नहीं है मेड है तो आपको पता है कि पेड को टू में लिखते हैं तो बाकी मेड कहां जाएगा बाई में ठीक तो ओपनिंग क्लोजिंग पेड मेड और इसका ट्रीटमेंट यहां पीएल वाला पीएल में ऐड हो जाएगा पेड वाला नीचे लेस हो जाएगा समझ में आ गया ये था टैक्स चलिए आगे बढ़ते हैं डिविडेंड और इंटरेस्ट तो जानते ही होंगे कैसे निकलता है पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि सर डिविडेंड और इंटरेस्ट को कैसे निकालेंगे बहुत बार देखोगे डिबेंचर्स डिबेंचर्स का इंटरेस्ट दिया रहता है एट परसेंट नाइन परसेंट सर इतना इतना पेड करना है अब प्रॉब्लम होती है सर निकाले तो निकाले किसपे प्रीवियस ईयर पर या करंट ईयर पर जैसे मान लीजिए डिबेंचर दिया गया है कितना परसेंट नाइन परसेंट दिया गया है एक लाख दो लाख सर किस में निकाले एक लाख पे या दो लाख पे तो आपको ये याद रखना है कि हमेशा अगर आप सोचो कि आपको इंटरेस्ट देना है कोई आपको पैसा दिया ठीक है आपको कोई पैसा देता है पिछले साल दिया एक लाख तो जैसे ही पैसा दिया आप उसको इंटरेस्ट दे दोगे या एक साल के बाद दोगे अगर आपको कोई पैसा दिया तो तुरंत उसको उसका इंटरेस्ट दे दो दोगे एक साल के बाद उसका इंटरेस्ट एक साल का इंटरेस्ट दोगे सर एक साल के बाद देंगे तो याद रखोगे इसका इंटरेस्ट हम लोग को यहां मिलेगा और इसका इंटरेस्ट हम लोगों को बाद में मिलेगा इसलिए हम लोग क्योंकि करंट ईयर का बना रहे हैं और करंट ईयर में हमको किसका इंटरेस्ट मिलेगा पिछले साल का करंट ईयर में ही हम लोगों को पेड किसका करना है पिछले साल का तो याद रखोगे हम लोग इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे प्रीवियस ईयर पे निकालेंगे और कैसे याद रखेंगे क्योंकि हम लोगों को जब भी पैसा मिला या हमने पैसा दिया तुरंत इंटरेस्ट नहीं मिलता है एक साल के बाद मिलता है तो हमेशा इंटरेस्ट की बात जो होगी ना वो प्रीवियस ईयर की बात होगी बट पॉइंट आउट कहां करना है नीचे कभी कभी दिया रहता है कि है कि इसमें देखोगे कितना लाख से दो लाख मतलब हमने एक लाख का और इश्यू कर दिया तो डिवेंचर जो एक्स्ट्रा एक लाख का इश्यू हुआ था उसका डेट दिया रहेगा फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा मैं और इजी वे में बताता हूं मान लीजिए एक लाख और एक लाख पचास हजार है तो कितने का इशू हो गया एक्स्ट्रा पचास हजार इशू हो गया <coughs> सॉरी नीचे दिया हुआ है कि हमने इशू ऑफ डिबेंचर इशू ऑफ डिबेंचर डिबेंचर इशू किया कब किया सर मान लीजिए एक जुलाई 2010। यह है 2010 यह है 2011 हजार एक जुलाई 2010 तो सबसे पहले आपको नौ परसेंट इंटरेस्ट निकालना इस पर तो आपको पता है नौ परसेंट निकलेगा या निकलेगा तो एक लाख ,00 का नौ परसेंट तो निकल जाएगा नौ हजार लेकिन साथ ही साथ क्योंकि डेट दे दिया गया बाकी का पचास हजार भी इसी साल आधा में ध्यान दोगे जुलाई में इशू होता है इसलिए जुलाई से लेकर मार्च तक का इतना इंटरेस्ट मिलेगा हम लोगों को इसलिए जुलाई से जोड़ लोगे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च नौ महीने का इंटरेस्ट मतलब बाकी जो पचास हजार है पचास हजार इंटू नाइन बाई हंड्रेड इंटू कितने महीने का नौवाटा बारह ये जो निकलेगा वो उसमें ऐड करके हम लोग यहां इंटरेस्ट में दिखा देंगे समझ में आ गई बात तो आपको ये एडजस्टमेंट में ध्यान देना है देखिए मैं हर एक पॉइंट को बता दे रहा हूं कि आपको ध्यान कहां कहां रखना है तो एक बार क्विक रिवीजन कर लें सबसे पहले प्रॉफिट की बात की थी मैंने प्रॉफिट बता दिया था कहां कहां देखना आपको रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेगा आपको पीएल डेप्रिशिएशन की बात बता दी मैंने डेप्रीशिएशन भी सेम कंडीशन आपको दिया रहता है नीचे एडजस्टमेंट में वहां से देखना है आपको निकाल लेना है डेप्रिशिएशन अकाउंट कैसे बनता है थोड़ी देर में हम लोग अभी सीखेंगे कि डेप्रीसिएशन अकाउंट कैसे बनता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये भी मैंने बता दिया रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में आपको मिलेगा ट्रांसफर दिखा देना है गुडविल एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ मैंने गुडविल के बारे में बता दिया कि अगर आपका डिक्रीज रिटर्न ऑफ हो रहा है तो यहां दिखाना अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहां नहीं दिखाना वो कहां चला जाएगा इन्वेस्टिंग में में चला जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स टैक्स के बारे में मैंने बता दिया कि दो साल का दिया रहे या फिर नीचे एडजस्टमेंट में भी दिया रहे तो क्या करना उसका ट्रीटमेंट कहां जाएगा वो भी मैंने बता दिया डिविडेंड और इंटरेस्ट की बात मेरी मैं भी मैंने बता दी कि कहां जाएगा और लॉस तो जानते ही हो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कैसे कैसे प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो तो निकाल नहीं सकते हो वो दिखा देंगे अगर लॉस हुआ है तो हम लोग कहां दिखाएंगे एडमेट में, अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग लेस में दिखाएंगे ठीक है इतना तो आपको समझ में आ गया इसके बाद क्या करते हैं इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद क्या करते हैं आइए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज के बाद हम लोग उसमें क्या ऐड करते हैं सर तो याद रखोगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में हम लोग ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज ये आपको बैलेंस शीट में आराम से मिल जाएगा बैलेंस शीट में अंडर हेड दिया रहता है करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज ठीक है बस आपको देखना है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ठीक सर ये भी तो पता ही है इंक्रीज डिक्रीज छोटा सा मैं पॉइंट्स बता देता हूं ये ऐड क्यों होता है और लेस क्यों होता है जैसे डिक्रीज इन करंट एसेट्स आप लोग आज तक पढ़े होंगे या देखे होंगे तो आपको बताया गया होगा कि एक फॉर्मेट फॉर्मेट है format को याद कर लो बट समझिए इस चीज को अगर आप समझोगे तो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा कि सर ये ऐड क्यों होता है लेस क्यों होता है जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूं डिक्रीज इन करंट एसेट्स करंट एसेट्स में हम लोगों का क्या होता है स्टॉक ठीक मान लीजिए हमारा स्टॉक ठीक 2010, 2011, ठीक है हमारा 2010 में स्टॉक था एक लाख और 11 में हो गया एक लाख बीस हजार तो सर ये इंक्रीज किया या डिक्रीज किया सर ये इंक्रीज कर गया बढ़ गया इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अब देखिए इंक्रीज इन करंट एसेट्स कहाँ हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स सर लेस में सर बढ़ गया तो हम घटा क्यों दे रहे हैं तो याद रखोगे इसका और ये जो मेन पॉइंट है सर माइनस क्यों होता है स्टॉक एक लाख से एक लाख बीस हजार हो गया तो क्या मान लीजिए कि स्टॉक स्टॉक मैं पेन 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 का बिजनेस करता हूं तो तो मेरा क्या है pain. तो pain पहले मेरे पास थे एक लाख के इस बार हो गए एक लाख बीस हजार के तो पेन ने क्या बच्चा दिया होगा तब ना एक लाख से एक लाख बीस हजार हो गया नहीं सर ऐसा थोड़े होता है आपने खरीदा होगा कितना खरीदा होगा बीस हजार रुपए का पेन एक्स्ट्रा खरीद लिया होगा क्योंकि आपके पास एक लाख का पेन था अब एक लाख बीस हजार मतलब आपने बीस हजार का पेन खरीद लिया अच्छा खरीदा होगा तो पैसा आया होगा गया होगा बीस हजार का पेन जो मैंने खरीदा है तो बीस हजार रुपए मेरे पास आए होंगे या गए होंगे सर खरीदा होगा तो आपके पास से गए होंगे गए होंगे तो माइनस होगा हाँ सर तो यहां पर देखिए इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस अच्छा इसी का अपोजिट सर मान लीजिए एक लाख से सत्तर हजार हो गया तो क्या हुआ सर बेच दिया होगा हमने अच्छा बेच दिया होगा तो पैसा आया होगा हां सर आया होगा आया होगा तो डिक्रीज हम लोग कहां लिखेंगे एड में लिख देंगे हाँ सर अच्छा सर एक और बताइए लाइबिलिटीज बताइए चलो लाइबिलिटीज देखते हैं क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स एक लाख से सत्तर हजार हो गया पहले एक लाख ,00 था अब सत्तर हजार हो गया क्या हुआ इंक्रीज या डिक्रीज सर डिक्रीज कर गया तो डिक्रीज इन लाइबिलिटीज देखिए डिक्रीज इन लाइबिलिटीज कहां है लेस में अब सोचिए आपका कर्ज था क्रेडिटर्स तो कर्ज है आपका कर्ज था बकाया एक लाख और अब बकाया दिख रहा है सत्तर हजार मतलब आपने कितना कर दिया होगा तीस हजार रुपए का पेड कर दिया होगा तो तीस हजार जब आपने पेमेंट कर दिया तो यहां देखोगे पेड कर दिया तो पैसा गया इसलिए हम लोगों का डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज हम लोग लेस में क्योंकि पैसा गया अच्छा सर इसी के अपोजिट एक लाख से एक लाख सत्तर हजार हो जाता तो पिछले साल हमारा एक लाख का कर्ज था इस साल हमारा कर्ज एक लाख सत्तर हजार मैंने मतलब मैंने हमने और कर्ज ले लिया सत्तर हजार का मैंने और कर्ज ले लिया कर्ज ले लिया ले लिया तो सर इंक्रीज कर गया कैश मतलब प्लस में जाएगा तो सेवनटीन थाउ सेटी थाउजेंड हम लोग कहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एड में लिखेंगे समझ में आ गया तो आपको ध्यान देने हैं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज और एड लेस कर देना है इसमें क्या नहीं लिखना है सर तो याद रखोगे इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को आपको नहीं दिखाना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपको इसमें नहीं दिखाने हैं ठीक है जैसे कैश हो गया बैंक हो गया चेक हो गया ओवरड्राफ्ट हो गया मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई ये सब चीजों को आपको नहीं दिखाना है करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज में क्योंकि कैश और कैश इक्विवेलेंट हम लोग कैश फ्लो ही बना रहे हैं तो कैश फ्लो में कैश तो दिखाएंगे नहीं ठीक है तो याद रखोगे कि आपको कैश फ्लो में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को नहीं दिखा दे समझ में आ गया एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्योंकि हम लोग ऑपरेटिंग पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग में इतना करने के बाद हमारे पास या तो कैश जनरेट होगा फ्लो होगा या तो हम लोगों का पैसा इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा ठीक तो हमारे पास जो भी जनरेट हुआ कैश उसमें से लास्टली हम लोग पेड क्या कर देते हैं इनकम टैक्स अभी मैंने इनकम टैक्स के बारे में बताया था कि कौन सा एड होता है और कौन सा लेस होता है तो जो पेड रहेगा वो यहां पर हम लोग लेस कर देंगे और लेस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर आपको लिखना है क्या ध्यान दोगे नेट कैश या तो आपका आंसर प्लस में आएगा तो आपको लिखना है नेट कैश फ्लो या तो आपका आंसर माइनस में आएगा और माइनस में आएगा तो अंडर ब्रैकेट जाएगा उस समय लिखना है नेट कैश यूज्ड क्योंकि आपने पैसा यूज कर लिया यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ठीक याद रखोगे कैश फ्लो मेनली बेस्ड है पूरा फॉर्मेट पे। अगर आप फॉर्मेट भी बना देते हो ना फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाते हो ना तो भी आपको मार्क्स मिल ही जाएगा ठीक है अगर आपका थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो गया फिर भी आपको सिक्स फाइव फोर मार्क्स मिल ही जाएंगे याद रखोगे तो ये बहुत अच्छा है चैप्टर है आपको ये अगर आप फॉर्मेट पढ़ लेते हो समझ लेते हो तो इससे आपका अच्छा खासा मार्क्स गेन हो सकता है तो मेन चैप्टर्स में से मैं, मैंने बताया था शेयर्स और आपको कैश फ्लो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ इसका जो पार्ट टू होगा उसमें मैं ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग बताऊंगा और एक क्वेश्चन मेन जो आपको एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होगा कि उसी पैटर्न के जैसा मैं वो क्वेश्चन डील कर दूंगा ताकि आपका कैश फ्लो क्लियर हो जाए उसके बाद हमारा वीडियो होगा शेयर्स पे शेयर्स नॉर्मली आपको सब पता है सिर्फ फंसते कहां हो सर प्रोराटा में तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा शेयर्स के लिए वो होगा प्रोराटा बेस्ड कि सर प्रोराटा का ट्रीटमेंट वैसे ही बता दे कि कहां कहां क्या, क्या क्या लेना है समझ के और वैसे ही हमारा होगा एडमिशन रिटायरमेंट डेथ का तो मेन मेन चैप्टर्स जो आपको एग्जाम में काफी मार्क्स स्कोर करवा सकते हैं वो आपको पढ़ने हैं और एक बार रिवाइज करने के बाद सारे सेट से सिर्फ वही क्वेश्चन उठाने हैं आप जैसे कैश फ्लो पढ़ लिए कैश फ्लो से सारे क्वेश्चन उठाइए और उसको बनाइए बनाने की कोशिश बाकी और कुछ मत देखिए और कुछ भी ट्राई मत कीजिए सिर्फ उसी चीज को ट्राई कीजिए और उसको बनाते रहिए एक क्वेश्चन को बना भी लिए तो दोबारा उसको फिर से टाइम देखकर बनाइए बना हुआ क्वेश्चन ही बनाइए लेकिन टाइम देखकर बनाइए फिर उसको तीसरा तीसरे दिन फिर से बना लीजिए क्योंकि आपको तो याद हो गया कौन कहां कहां जाता है आप ये मत करोगे ये तो बना हुआ है नया क्वेश्चन ट्राई करते हैं कभी मत कीजिए अगर आपको थोड़ा भी फेथ है तो आप ऐसा ही करोगे कि आप जो सेट बना चुके हो उसी को उठाइए और उसी को बनाइए लेकिन इस बार क्या है उससे कम टाइम पे बनाना है उससे कम टाइम पे बनाना है और सारा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाना है ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में जो भी बना दिया और पूरा पूरा सेट बनाने की जरूरत नहीं है आप बस मेन मेन क्वेश्चंस को उठाइए मेन मेन क्वेश्चंस को बनाइए ऑब्जेक्टिव में मत फंस के रहिए अगर ऑब्जेक्टिव छोड़ भी देते हो तो ट्वेंटी मार्क्स गया बाकी सिक्सटी मार्क्स का क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव तो आपको पता ही है स्टार्टिंग में आप जो बना बना लास्ट में तो थोड़ा बहुत इधर उधर से आपको हो ही जाएगा कि हाँ भाई इसका वन टू ए बी सी क्या होगा वो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है एक दो क्वेश्चंस तो ऐसे भी मिल जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान नहीं दें लॉन्ग क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दें समझ गए तो आपका मार्क्स अच्छा स्कोर कर पाएगा तो ये हमने आज पढ़ लिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेक्स्ट हम लोग वीडियोज में पढ़ेंगे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग और उसके न्यूमेरिकल्स और बाकी मैं बताऊंगा और आप लोग एग्जाम के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करो और कैसे और अच्छा इंप्रूव कर सकते हो ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद बाय